हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ मेरा वन ऑफ द फेवरेट डिज़र्ट। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत टेस्टी लगता है मुझे। यस, आज मैं बनाने वाली हूँ शाही टुकड़ा। ये बहुत ही इजीली बन जाता है और काफ़ी बेसिक चीज़ों से ही बन जाता है जो घर में अवेलेबल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे ब्रेड। ये मैं यहाँ पे मैं वाइट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, और कितना क्या बनाना है ये मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊँगी। फिर हमें चाहिए कंडेंस मिल्क, फिर हमें चाहिए, मैंने लिया है 1/2 लीटर दूध, और फिर हमें चाहिए खड़ी इलायची। आप पाउडर भी यूज कर सकते हो, फूड कलर ये ऑप्शनल है, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, इसे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। फिर मैंने लिया है यहाँ पे चीनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दूध को उबलने के लिए चढ़ा देंगे। दूध को काफ़ी टाइम लगेगा होने में, क्योंकि इसे मतलब होते 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 इसे गाढ़ा करना है काफ़ी टाइम तक लो फ्लेम पे, तो इसे बहुत टाइम लगने वाला है। तो एक साइड हम दूध को चढ़ा के लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे, और इसे धीरे धीरे उबलने देंगे, और बीच बीच में इसे चलाते रहना है ताकि ये मतलब चिपके ना। तो अब मैं जब तक दूध हो रहा है तब तक ब्रेड का भी तैयारी कर लेते हैं। जो भी साइड से और हमें तैयारी करनी है वो सब कर लेते हैं हम। तो ब्रेड को मैं दो ब्रेड यूज कर रही हूँ, आप जितनी चाहे उतनी बना सकते हैं, और सारी क्वांटिटी उसी के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब तेल को गर्म कर लेंगे, और ब्रेड को मैंने ट्राइंगल शेप में कट कर लिया है, आप जिस भी शेप में चाहे उस शेप में काट सकते हैं। और ये देखिए, दूध को बीच बीच में आप चलाते रहें, और साइड साइड में जो मलाई बन के चिपक जाती है उसे भी निकालते रहें स्क्रैच करके, इससे दूध जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम ब्रेड को फ्राई कर लेते हैं। ब्रेड काफ़ी जल्दी फ्राई हो जाता है, तो मतलब इस बात का ध्यान रखें हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, इसे लो फ्लेम पे नहीं करना है। देखिए, इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है इस तरह से, और इस तरह से मैं सारे ब्रेड्स को फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, इसका यही कलर होना चाहिए। तो अब हम चलिए चाशनी भी बना लेते हैं। एक तरफ हमारा दूध हो रहा है और एक तरफ ये सारी तैयारियाँ हो रही हैं। और चाशनी के लिए जो ब्रेड जितना मैंने लिया है उसके लिए मैंने यहाँ पे 1/2 ग्लास लिया है पानी का। इसमें भी चाशनी बची जाएगी, तो अगर आप एक दो एक्स्ट्रा ब्रेड बनाने वाले हो तो भी आप इतना ही पानी यूज करना चाशनी के लिए। और यहाँ पे मैंने 4 चम्मच चीनी डाल दिया है और 2 इलायची डालेंगे, आप इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हो। और अब मैं डालूँगी इसमें फूड कलर, इससे थोड़ा सा क्या होता है कि ब्रेड का कलर चेंज हो जाता है और अच्छा हो जाता है। तो थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, और फिर इसे ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, बस चीनी डिज़ोल्व हो जाए उतना ही पकाना है। कोई तार वाली चाशनी हमें नहीं बनानी है। तो बस ये रेडी हो चुका है, और अब मैं देखती हूँ दूध का क्या हाल है। यस, दूध भी बिल्कुल रेडी ही होने वाला है, ऑलमोस्ट दूध जल चुका है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डालूँगी। कंडेंस मिल्क 1/2 लीटर दूध में मैंने यहाँ पे 100 ml के करीब डाला है, 100 to 150 ml के करीब। इसमें चीनी वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस कंडेंस मिल्क से ही अच्छा खासा मीठा हो जाएगा। और अब हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे, और बस फिर ये देखिए, कंडेंस मिल्क डालने के बाद मैंने 5 से 10 मिनट इसे और लो फ्लेम पे पकाया है, और ये दूध बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, दूध आधा का आधा हो चुका है। और अब मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी, और फिर अब हम इसे ठंडा होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। मुझे जो कंसिस्टेंसी चाहिए उतना हो जाएगा 5 से 10 मिनट के अंदर। तो अब आप इस गैस को, फ्लेम को बंद करें और 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और 5 से 10 मिनट के बाद अब हम प्लेटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको ब्रेड को चाशनी में एक बार डिप करना है, डिप करके निकाल लेना है। सारे ब्रेड्स को इसी तरह से चाशनी में डिप करें अच्छे से दोनों साइड से, और फिर इसे निकाल लेंगे हम। और फिर ऊपर से जो हमने मलाई रेडी किया है वो डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरे ब्रेड पे आप मलाई डाल दो, और ये देखिए मुझे जो कंसिस्टेंसी चाहिए थी इसकी वही है। अगर आपको और गाढ़ा चाहिए तो आप थोड़ी देर इसे और छोड़ दोगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा।
ये देखिए बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में भी, और बहुत टेस्टी बना भी था। और इस तरह से अब मैंने थोड़ा सा पिस्ता को चॉप कर लिया था, उसे भी डाल दूंगी गार्निश के लिए। और ये देखिए मैं आपको जैसे तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत सॉफ्ट बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो आप भी जाइए और ट्राई करिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।